All right, hey guys, what's up everybody? This is Edward XP and Sarvin, जिस भी नाम से आप मुझे जानते हैं, इंस्टाग्राम गेमर या कोई भी आईडी से. सो हाउ टू एडिट भी चैनल मेरा ही है और ब्रांड 1811 भी मेरा ही चैनल है. सो इस बार जो डिस्कशन है वो है, एक तो सबसे पहले मेरी फ़ोटो का और दूसरा जो विजय महार का फॉलन कंसेप्ट था, तो उस पर मैंने जस्ट एक फ़ोटो एडिट करके अपनी बनाई थी. सो ये विजय महार भाई ने भी शेयर करी है और आप उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी देख सकते हैं ब्रो की, तो ये प्रेजेंट है और बहुत बंदों ने सपोर्ट भी करा मुझे इस फोटो के लिए. सो थैंक यू आप सबको कि आप सबने मेरे को इतना सपोर्ट करा. सो फोटो तो मेरा रीटचिंग ट्यूटोरियल था ये था, लेकिन अभी मैं फॉलोइंग कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर दूंगा क्योंकि हर किसी को ये कंसेप्ट ज़्यादा चाहिए था. सो इसके बाद ये वाला ट्यूटोरियल ज़रूर आ जाएगा और इसमें डॉच एंड बर्न यूज़ कर रखा है मैंने मेथड, जिससे मैंने स्किन क्लीन अप कर रखा है और अपने फ़ोटो को बहुत अच्छा बना रखा, लुक्स अट्रैक्टिव. सो बढ़ते हैं हम ट्यूटोरियल की तरफ. सो ये फाइनल आउटपुट है और मैं आपको इसका आफ्टर एंड बिफोर भी दिखाऊंगा अभी. सो ये मेरा फर्स्ट था कि मैंने घर में क्लिक कर रखे है, खुद कर रखी है, किसी और से क्लिक नहीं कराया गया. सेल्फ टाइमर है, मेरे हाथ में फ़ोन है उस टाइम और मैं सोनी अल्फा 6000 यूज़ करता हूँ अपने एडिटिंग के लिए. सो यहाँ ये फोटोशॉप में ओपन कर दिया मैंने. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे पिक्सार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा और आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, PSD तक डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, आप डीपली वर्क कर सकते हैं मेरे फ़ोटो को देख के कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं जो आपको ज़रूरत है. सो हर चीज़ को मैं पर्सनली डिस्कस करूँगा और ये सब अभी हटा देता हूँ मैं. सो हर चीज़ मैं हटा देता हूँ, आपको शुरू से एंड तक का कंसेप्ट समझाता हूँ कि कैसे क्रिएट हुई है मेरी फ़ोटो. सो सबसे पहले एक मैंने बैकग्राउंड लिया है और इसे बोलते हैं ग्रे बैकग्राउंड. फंक्शन शिफ्ट F5 जब आप प्रेस करेंगे फिल का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ 50% ग्रे होता है. अगर आप इसे करेंगे और हिट ओके करेंगे तो आपका 50% ग्रे आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ 50% ग्रे को जस्ट एक बेस यूज़ करा है क्योंकि जो मेरी फ़ोटो थी वो ग्रे बैकग्राउंड टाइप में थी लेकिन वाइट पर्दा था, वो ग्रे लुक में पता नहीं कैसे चला गया, मेरे को खुद नहीं समझ में आया क्योंकि लाइट थोड़ी कम हो गई. मैं एक ही यहाँ पे ये एक ही सॉफ्ट लाइट यूज़ करता हूँ, सो उससे इतना भी ब्राइट नहीं हो पाता है. सो मैंने फिर इसे मास्क कर रखा है. मास्क करना यार बहुत ईजी होता है, अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं पेन टूल को कैसे मास्टर करें, मेरे चैनल पे ही डला हुआ है. आप जाएंगे आपको पेन टूल का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा और ईजिली आपको बहुत अच्छे से आएगा. पेन टूल ये होता है और जस्ट आपको यहाँ ऐसे सेलेक्ट करने हैं, ये पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ऐसे ऐसे आपको सिलेक्शन करते करते आगे बढ़ना है और एट दी एंड में जब आप सिलेक्शन पूरा कर लेंगे तो राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन और फैदर 1 पिक्सल का, ठीक है. तो यही होता है अब सिलेक्शन बनाने के लिए. फिर उसके बाद आप मास्क करेंगे, जैसे सिलेक्शन फैदर 1 पिक्सल हो जाएगा फिर ये दबा दीजिएगा, आपका ऐसा मास्क बन जाएगा, ठीक है. अब यहाँ मेरी इमेज मास्क आउट हो गई है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बालों की पूरी डिटेल वापस रखी है. ये एट दी एंड में प्रोसेस करा था मैंने, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है. अब उसके बाद मैंने है कर्व्स डाला था. कर्व डालने से आप देख सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट आया और कर्व्स मेरा कुछ ऐसा था, लिफ्ट हाई था, ठीक है. और जस्ट मैंने यहाँ पे ऐसे इतना बड़ा, मेरे को टाइप विंटेज टाइप इफेक्ट चाहिए था, मुझे एक वॉल का लुक चाहिए था. ये बिल्कुल फ्लैट लुक था, ये वॉल का लुक था. और मेन मैंने इतना ही ग्लो क्यों करा, क्योंकि जो मेरे बालों के पास एरिया था वो बैकग्राउंड से मैच हो जाए, इसलिए मैंने उतना ग्लो कर रखा था, ठीक है. तो आप ये समझ गए होंगे यहाँ तक का ग्लो का पर्पस, ठीक है. अभी ये वाली लेयर का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, एंड ये वाली लेयर में भी हाँ थोड़ी पेंटिंग हो रखी है. सो यहाँ पे ये मैंने हेयर्स की डिटेल लूज हो गई थी तो मैंने इसे यहाँ पेंट कर रखा है, ये भी बताऊँगा मैं कैसे करा था मैंने. सो देखते रहे आप ट्यूटोरियल को. अब बढ़ता हूँ मैं अपने मेन पॉइंट की तरफ. मेन पॉइंट था अब कि मुझे अपने विंग्स लगाने हैं, तो विंग्स मैंने यहाँ एक नेट से डाउनलोड करे थे और ये है PNG, उसकी दिखा देता हूँ मैं आपको ये वाली.
टेलीग्राम ग्रुप में मैं ज़रूर शेयर करूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इजीली मैंने बहुत सारे विंग्स ट्राई करे थे तब जाके एक परफेक्ट मिला था। सो आप भी ट्राई करें, जो आपको बेस्ट सूट करे आप वही यूज़ कर सकते हैं। फिर ये विंग मैंने सेम इधर करा, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा मास्क आउट कर दिया यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप एजिस पे। अब उसके बाद मैंने यहाँ स्टिचेस डाले थे कि मेरा जो विंग्स है वो पीठ के पीछे से बिल्कुल लाइक समथिंग कि वो फाड़ के निकल रहे हैं शर्ट को और जो पीछे बैक है उसको, तो ये दिखाने के लिए मैंने हाँ ये यूज़ कर रखा है। और ये जस्ट कुछ नहीं है, टांके हैं, एक नेट से मैंने फ़ोटो डाउनलोड करी थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा वाइजली यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैंने इस टांके को जस्ट लाइक कि ये विंग्स के टांके हैं मैंने ऐसा दिखाया, और फिर मैंने इसको यहाँ पे भी यही कॉमन को पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने थोड़ी शेडो डाली है, और यहाँ शेडो डालने के लिए मैं ब्रश चुना और उसका फ्लो कर दिया मैंने 25% पे। ठीक है, और स्लोली स्लोली पेंट कराया मैंने, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ करके एक बार। यहाँ आप ब्लैक सेलेक्ट करें और फिर धीरे धीरे जैसे आप देख सकते हैं ये इफेक्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कैसे मैंने बिल्ड कर दिया अच्छे से। तो यही है प्रोसेस कि आप यहाँ तक फिर मैंने बिल्ड कराया, नीचे नीचे तक भी ये देख सकते हैं। ठीक है, और कोई हार्ड एंड फास्ट ये इतना वो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे आप धीरे 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 ब्रश से पेंट करें, और हमेशा आपके हार्डनेस जो होनी चाहिए ब्रश की वो ज़ीरो होनी चाहिए, आप यहाँ से हार्डनेस भी कम कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप जब अचीव कर लेंगे तो आपका थोड़ा मतलब अराउंड 10% आपका बैकग्राउंड मैचिंग हो गया है फोरग्राउंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये मैंने रियलिज्म अचीव कर लिया था। अब उसके बाद मैंने थोड़े कट मार्क्स डाले थे अपने फेस पे, और ये भी जस्ट एक PNG है नेट से निकाली है, देखें आप देख सकते हैं हैंड की थी, और ये सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग मोड पे रखा है क्योंकि मेरे को कट्स ज़्यादा हाईलाइट नहीं करने थे। और उसके बाद मेरे को ये लगा कि कट्स मेरे स्किन टोन से ज़्यादा हाई दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ कर्व्स डाला है। कर्व डाल से मैंने यहाँ थोड़ा ये लो करा है इधर से, आप कर्व्स के साथ प्ले करें और आपके जब स्किन टोन के बराबर आ जाएँ तो आप वहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक देखने में अच्छा लुक लग रहा है कि डैमेज टाइप से स्क्रैच हुए हैं, और तो थोड़ा एस्थेटिक लगा मुझे। अब उसके बाद मैंने थोड़ा ओवरऑल फ़ोटो को भी लो करा था, ये देख सकते हैं आप कर्व हल्का सा नीचे कर रखा है मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने चेन्स डाली थी, ये चेन एक नीचे सिंपल चेन है, कोई वैसी चेन नहीं है, ये देख सकते हैं आप। चेन मैंने नेट से PNG निकाली थी, और जस्ट मेरे को चाहिए था विंग्स के कि चेन मेरे यहाँ से जाए गले में से घूम के इधर की साइड आए, और लाइक मेरा टायर्ड बंधा हुआ हूँ मैं कहीं पे, इस टाइप का लुक मुझे चाहिए था। तो ये एक माइंड में था मेरे कंसेप्ट, और मैंने फॉलन कंसेप्ट भी चमार भाई का देख रखा था, तो उसमें मेरे को लगा कि हाँ मुझे थोड़ा इनोवेटिव और थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए मेरी फ़ोटो शेयर भी हुई है। और यहाँ पे मैंने इसी को ही इधर कॉपी कर रखा है, सेम PNG है, ये भी PNG मैं आपको शेयर कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसी PNG को थोड़ा इधर कर रखा है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, ये PNG आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मैंने यूज़ कर रखी है। सिंपल ऐसे ऐसे कोई मोल्डिंग वोल्डिंग नहीं है, जस्ट ब्रश कराया पेंट को और इरेजर यूज़ करिए। ठीक है, और जब ब्लेंड हुई है चीज़ों के साथ तो वो इतना अच्छी दिख रही है। अब उसके बाद मैंने यहाँ शेडो क्रिएट करी है, ये मेन चीज़ है, अगर आप शेडो क्रिएट नहीं करते हैं किसी चीज़ की तो वो स्पेशल अच्छे से अपीयरेंस नहीं देती है। और ये चेन हमेशा ऐसे लगे कि अपलिफ्ट है, हवा में है, और कभी आपके बॉडी के साथ इंटरेक्टेड नहीं है। तो मैंने इसे बनाने के लिए क्या करा था, यहाँ से न्यू लेयर लेंगे आप और अपना फ्लो अराउंड 10% रखें, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे ब्रश करें, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ब्रश हमेशा पहले एक बार पूरा करें और फिर एक बार सेंटर में ज़्यादा करें। ठीक है, पहले पूरा करें
फिर सेंटर में ज़्यादा करें। इससे क्या होगा, एक ड्रॉप शैडो क्रिएट हो जाएगी। ड्रॉप शैडो यहाँ से भी क्रिएट हो जाती है लोगों की, ये ड्रॉप शैडो, लेकिन ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती है जो मेरे को चाहिए होते हैं, तो मैनुअली मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा रिजल्ट अचीव हुआ था मेरे को, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऐसे कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने ये इस जस्ट इमेज कर रखी है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसे कह सकते हैं आप जो मेरा ब्लैक फैक्ट है वो दिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे थोड़ा, जब आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो आपकी अच्छे से दिखेगी ये, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऑन ऑफ करके दिखाऊँ आपको तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया बस एक छोटी सी शेडो के चक्कर में। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा शेडो के साथ भी वर्क करें, इससे आपके ब्लेंडिंग अच्छी होती है, ठीक है। अब मेन था, उसके बाद मैंने यहाँ कर्व्स डाले थे क्योंकि मेरे को यहाँ डालने थे ब्लड ड्रिपिंग्स। अब ब्लड ड्रिपिंग्स का क्या यहाँ रोल था मेरे लिए, वो ये था कि मेरे को चाहिए था कि जब मेरे विंग्स निकल रहे हैं तो उसमें से ब्लड भी ड्रिप होता है, थोड़ा ब्लड भी निकलेगा और शर्ट के ऊपर गिरेगा। तो यहाँ मैंने ब्लड को ऐसे रखा हुआ है, मैं इसे रीनेम कर देता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे अंडरलाइन लेयर से मैंने देखा कितना डिफरेंस आ जाता है। तो अंडरलाइन लेयर को भी आपको थोड़ा एडजस्ट करना होता है, ऑल्ट दबा के आप शिफ्ट की दर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ मैंने 5% तो गॉसियन ब्लर डाला है, रेडियस का देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ तक तो अचीव हो गया, लेकिन अब ये ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, मेरे को लग रहा है फेक है, और अगर मैं नेट पे भी डालूंगा तो लोग कहेंगे फेक है इतना। तो यहाँ मैंने जस्ट एक कर्व्स डाला, कर्व्स आप देख सकते हैं सिंपल हल्का सा नीचे कर दिया, और वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरी फ़ोटो के साथ। तो देख सकते हैं आप कर्व यहाँ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मेरी फ़ोटो में हर चीज़ को दिखाने के लिए। अब मेरे को चाहिए था कि ये जो मेरा यहाँ ये सेंटर पार्ट है ये थोड़ा ग्लोइंग टाइप सा हो, तो यहाँ मैंने एक जस्ट ऐसे एक फायर की PNG डाली है, ये देख सकते हैं आप फायर की PNG है वो, और इसकी PNG भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ ग्रुप में, ये अभी नहीं पड़ी हुई है, मैं डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, और नहीं हो तो आप इस PSD के अंदर से भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ थोड़ा अपने शरीर को मास्क कर रखा है, कर्व हल्का सा लो कर रखा है। मोस्टली मेरा जो भी गेम रहता है वो हमेशा कर्व के साथ रहता है, कर्व बहुत अच्छी ब्लेंडिंग देता है इमेज में। अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ डाला था चेन्स, ये थोड़ी सी इसके भी PNG दे दूंगा मैं, ये चेन यहाँ पे, और इनमें गॉसियन ब्लर 5 पैक का, ठीक है। तो गॉसियन ब्लर यहाँ डालने से देख सकते हैं आप कितना फ़र्क आया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देख सकते हैं आप एक गॉसियन ब्लर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और मुझे मैच करना था विंग्स के साथ इसलिए मैंने गॉसियन ब्लर भी डाला है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने सर के ऊपर, जो मैंने वो सब बना रखे थे, और बबल्स, बबल्स अभी मैंने ऐड अप नहीं करे थे। सबसे पहले मैंने यहाँ चेन, पहले सबसे यहाँ मैंने डाले थे ये मीटियोर्स, वीटियोर्स थोड़े पत्थर वत्थर ग्रैनुल्स की गिरते हुए, कि पानी के अंदर कुछ पत्थर वत्थर गिरते हैं जब मैं एंटर हुआ हूँ उसमें और हिल रहा हूँगा तो पत्थर उड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो एक कॉमन सा तरीका लगाया मैंने कि डेब्रिस बोलते हैं इन्हें, डेब्रिस डाले हैं मैंने, ये भी मैं आपको दे दूँगा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ चेंज कर दिया अपने कॉम्प का कलर। कॉम्प का कलर मैंने कैसे चेंज करा, एक मैंने यहाँ पे सॉलिड कलर ले रखा है इस कलर का, ठीक है, और फिर मैंने उसका ब्लेंडिंग मोड कलर पे कर दिया। अगर मैं यहाँ कोई और ब्लेंडिंग मोड चुनता तो आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन कलर से क्या होता है पूरी फोटो का ओवरऑल कलर सेम हो जाता है जो आपने फोटो का डाला है, ठीक है। अब मेरे को एक कलर चाहिए था, उसके बाद मैं ह्यू एंड सेचुरेशन उस पर क्लिक कर देता हूँ ऑल्ट दबा के, ठीक है। तो ह्यू एंड सेचुरेशन से मैं इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करता हूँ, और जो मेरे को ब्लू चीज़ होता है मैं वो अचीव कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने जो अपना कस्टम मेड ब्रश है ये बबल वाला, ये वाला ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ ये, तो इससे आप जहाँ भी पेंट करेंगे वहाँ बबल्स क्रिएट हो जाएंगे अच्छे वाले। सो ये आपके लिए बहुत, ये देख सकते हैं आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बनाना,
ठीक है, तो इससे आप बबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत इजीली और कम टाइम में आप बबल्स क्रिएट कर देंगे, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ ये अगर आपको बबल्स की भी पीएनजी चाहिए होंगी तो मैं ये ज़रूर दे दूँगा आपको पीएनजी, और ये आप डाल सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ में अगर ये पीएनजी भी चाहिए। और मैंने विंग्स पे भी ये पीएनजी बहुत अच्छे से मैंने धीरे धीरे, यहाँ देख सकते हैं आप कितना इफेक्ट डाला है बबल्स ने। और यहाँ मैंने नोज़ के पास कराया क्योंकि जहाँ से मैं सांस ले रहा हूँ वहाँ होने चाहिए बबल्स, तो इस पर थोड़ा मैंने ज़्यादा देर तक काम करा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने थोड़े और बबल्स बढ़ाए हैं, तो बस यहाँ बबल्स का ये कुछ नहीं है, ये सिंपल ब्रश है और बबल्स है। धीरे 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 आप पेंट करते रहेंगे, आपको बबल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ डाला अपना ये सिर पे, जैसे विजय महार के सर पे था, एक गोकू की फोटो में था, ये गोकू से मैंने देखा था। तो इसे ग्लो करने के लिए सिंपल होता है, इसकी कॉपी बनाएं, कमांड जे, फिल्टर, गॉसियन ब्लर, और जो भी आपको कुछ चूज़ करना हो रहा हो 10-10 करके इंक्रीज करते रहें अपना। ठीक है, और ये पहला 10 से इंक्रीज है, आप देख सकते हैं ग्लो कैसे धीरे धीरे इंक्रीज होगा। पहला 10, 20, 30, 40, 50, नहीं यहाँ पे मैंने कुछ और यूज़ करा है, तो यहाँ पे तक करा है मैंने 40 तक में, और मुझे ग्लो अच्छा खासा अचीव हो गया। अब उसके बाद ये ग्लो अफेक्ट नहीं कर रहा मेरी किसी भी इमेज को, अब मेरे को चाहिए कि ग्लो इफेक्ट करे कहीं पे, क्योंकि अगर यहाँ चीज़ ग्लो हो रही है तो वो हेड पे पड़नी चाहिए। तो हेड पे पड़ने के लिए मैंने यहाँ ओवरले चुना, ठीक है, और ब्रश यहाँ अलग कलर का लिया है, और यहाँ सॉफ्ट राउंड प्रेशर ब्रश लिया मैंने, और जस्ट उससे धीरे 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 पेंट करा। आप देख सकते हैं कैसे हेयर्स में शाइन आ रही है मेरे, तो यहाँ पे मैंने यही सेम कर रखा है, यहाँ ब्रश से पेंट करा है और यहाँ शाइन आ गई है। तो आपको दिखा देता हूँ आफ्टर एंड बिफोर, तो यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है एक छोटी सी चीज़ से। अब उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा और करा है, मैंने ब्रश वाइट से पेंट करा था और थोड़ा और से हाईलाइट करा। अब उसके बाद मैंने ये लाइटनिंग ड्रॉ करी है खुद। तो ये लाइटनिंग ड्रॉ करना कैसे होगा, आपको सॉफ्ट राउंड ब्रश ही लेना है, ठीक है, उसको बिल्कुल अराउंड 24 या 25 के डायमीटर पे रखना है, और धीरे धीरे पेंट करना है जहाँ भी आप करना चाहते हैं। लाइक जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ करना है, तो ये देख सकते हैं आप धीरे धीरे, तो यहाँ इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ आपको लगे कि मेरे को हार्ड हार्ड यूज़ करना है तो वहाँ आप हार्ड भी कर सकते हैं, हार्ड राउंड प्रेशर ब्रश है ये आप यूज़ करेंगे। फ्लो अपना हमेशा 100% पर रखें। सो ये आप देख सकते हैं, आप सेम वैसी क्वालिटी अचीव होने लग गई है। सो ऐसे धीरे धीरे यहाँ से पेंट करा था मैंने, थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है अभी, अराउंड स्क्रैच भी 1.7 GB तक के चले गए हैं इसके। सेम ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और इसका डायमीटर लाता हूँ कम, और फिर ऐसे स्ट्रोक्स क्रिएट करते हैं आपने धीरे धीरे। ठीक है, वो बात तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर ऐसा फैदर लुक अचीव करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली आपको फिल्टर में जाना है और यहाँ से गॉसियन ब्लर डाल देना है 10 या 5 का, जो भी आपको बेटर लगे। ठीक है, फिर आप ऐसे ऐसे पूरा फैदर आउट अच्छे से पेंट करेंगे, जहाँ जहाँ आपको लाइट चाहिए होगी तो ऐसा चीज होगा। और ये देख सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर लाइटनिंग कितना फ़र्क आया मेरी इमेज में। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को थोड़ा खुद कंसेप्ट में ऐसा लगा कि पॉप नहीं हो रही है चीज़, कि अगर लाइट यहाँ से पड़ रही है तो नीचे डार्क होना चाहिए क्योंकि वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पा रही है। सो इसलिए मैंने यहाँ ब्लैक ब्रश से सीधा पेंट कर दिया और उसके अंडरलाइन लेयर को थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया। ठीक है, जब ये आपको PSD मिल जाएगी, आप डाउनलोड करेंगे और मेरे मेरे साथ ये ट्यूटोरियल में गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ एक ग्रेडियंट मैप डाला था। अब ये मुझे नहीं पता चला कि ये ग्रेडियंट मैप ये कर जाएगा जो
मेरे को नहीं पता था ये ग्रेडियंट मैप है। जस्ट मैंने डाला, मैंने नेट से निकाला था और ऐसे ही डाल दिया था। आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ये इसका कलर कोड है, लोकेशन 50, कलर कोड ये रहे। ठीक है, तो इसको बस मैंने जस्ट ब्लेंडिंग मोड सेचुरेशन पे रखा और मेरी फोटो में एक पॉप आ गया। ये हिट एंड ट्रायल था, एकदम से ही हो गया था। मैंने कोई इतना उसमें करा नहीं कुछ भी, ये मुझे भी नहीं समझ में आया था, खुद ही मेरा स्टेप। लेकिन अच्छा आउटपुट आ रहा है मेरे फोटो में, तो मैं यूज़ करूँगा इसे। ठीक है, तो यहाँ ये पॉप के लिए मैंने सेचुरेशन को यूज़ करा है ग्रेडियंट मैप से। आज तक मैंने किसी फोटो में नहीं देखा ऐसे ग्रेडियंट मैप से सेचुरेशन बढ़ाई है किसी ने, तो होपफुली मेरे को सही लगा और मेरी फोटो में भी अच्छा दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक फायर की ये निकाली नेट से और डायरेक्ट उसको जस्ट पेस्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ी कटिंग्स थी तो मैं ये आपको भी डायरेक्ट दे दूंगा, और ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे कर देंगे तो आपका डायरेक्ट फायर आ जाएगा वहाँ पे विंग्स पे। और फिर उसके बाद मैंने फाइनल कलर ग्रेड दी हल्की सी सेचुरेशन डाउन करके, और ये लुक अचीव हो गया और जस्ट मैंने पेस्ट कर दी। एंड थैंक यू गाइज, आपने ये ट्यूटोरियल यहाँ तक देखा, और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर आएँ अगर आपको और एडिट देखनी हो इस टाइप से। तो मैं इंस्पायर्ड कंसेप्ट बनाऊंगा आप सबके लिए। बहुत टाइम लगा था मुझे ये कंसेप्ट बनाने में, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को जो मुझे महार टाइप एडिट सीखना चाहते हैं।